नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आप लोग लगातार देख रहे हैं पिछले करीब 4 महीने से पूरी दुनिया के भारत भी उसमें शामिल है। कोरोना वायरस संकट के कारण पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। मेडिकल क्षेत्र तो पहले से ही घोर संकट में चल रहा है, पूरे विश्व का मेडिकल क्षेत्र। अब जो है धीरे धीरे करके जो लॉकडाउन की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जो कर्फ्यू जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जो गतिशील अर्थव्यवस्था है उसके रुकने की वजह से जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं वह हमें आर्थिक संकटों की ओर लगातार पहुंचाती चली जा रही हैं। दुनिया भर के बाजार बंद पड़े हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, कारखाने बंद पड़े हैं। प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र है के साथ जितना भी हमारा सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, उसकी जितनी भी प्रकार की गतिविधियां हैं केवल मेडिकल क्षेत्र को छोड़कर वो सब की सब बिल्कुल शांत हो गई हैं, ठप हो गई हैं। केवल और केवल एक ही स्थिति पैंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से, ये जो महामारी उत्पन्न हुई उसके कारण स्थितियां यहां तक चली गई हैं कि अभी हाल में ही IMF के द्वारा जो नया पूरे विश्व का प्रोस्पेक्ट दिखाया गया उसमें माइनस में ग्रोथ रेट जाने की संभावना बनी हुई है। पूरे विश्व की ग्रोथ रेट, भारत जैसे जो दुनिया के टॉप ग्रोथ रेट वाले देश हैं, भारत है, चाइना है, वो भी 1% तक पहुंचने की संभावना बनी हुई है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस एक संकट ने पूरे भारत, पूरी दुनिया को एक घनघोर संकट में, जो कभी केवल मेडिकल क्षेत्र से संबंधित था, अब आर्थिक क्षेत्र की ओर बढ़ा दिया है। ये भी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अगर आप WWF की रिपोर्ट पढ़ें या आप IMF की रिपोर्ट पढ़ें, ADB की रिपोर्ट पढ़ें या दुनिया भर की जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन सभी की रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको लगातार ये दिखाई भी पड़ रहा है कि ग्रोथ रेट घटने के साथ ही बड़ी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। भारत में 23% तक बेरोजगारी दर बढ़ गई है, अर्थात बहुत भीषण स्थितियां। अमेरिका के लिए ये कहा जा रहा है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक है क्या, वो नंबर एक पर तो है ही, वहां पर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगारी के संकट में पहुंच गए हैं। अर्थात पूरी दुनिया में बेरोजगारी एक विकराल रूप लेकर आ रही है और ऐसी में कठोर शक्तियां, लॉकडाउन जैसी स्थितियां इसको और ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। समस्या है, सभी कोई जानता है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए अभी हमको बहुत समय लगेगा क्योंकि अभी इसकी कोई मेडिसिन या वैक्सीन तैयार नहीं है। हमारे जो मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारी विभिन्न कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र की हों चाहे प्राइवेट क्षेत्र की हों, वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। साथ में हमारा प्रशासन और शासन, वो भी दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी भी हम इसके केवल बचाव के अतिरिक्त इसकी कोई दवा नहीं खोज पाए हैं। रिसर्च बहुत सारे हैं और उन रिसर्चों के बीच कभी अच्छी खबर भी आती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी गतिविधियां भी दिखाई पड़ती हैं, बहुत नए आविष्कार भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो वास्तविक चीज है वैक्सीन, वो अभी तक निर्मित नहीं हुई है। और इसी वजह से ये अभी संकट कितने दिन तक और चलेगा, कितना लंबा और खिंचेगा, कितने लोग इसमें और मारे जाएंगे, क्योंकि 1,20,000 से ज्यादा लोग तो मारे जा चुके हैं पूरी दुनिया में, अभी और कितने लोग मारे जाएंगे, तो ये जो स्थिति है वो और विकराल रूप धारण करेगी, ये तो साफ समझ में आ रहा है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज, अगर हम केवल भारत की बात करें, हम विश्व की बात ही ना करें, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तो हमारे सील पड़े हुए हैं, चाहे वो केवल सर्विस सेक्टर के लिए हो चाहे किसी भी सेक्टर के लिए हो, तो वो सील पड़े हुए हैं। भारत के भीतर की समस्त गतिविधियां सील पड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में यह भी अब आशंका जताई जाने लगी है कि कहीं भारत में एक वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी न लागू कर दी जाए। वित्तीय आपातकाल की हालांकि घोषणा नहीं हुई है, ना ही ऐसे संकेत हमारी सरकारें दे रही हैं, लेकिन संभावना पूरी तरह से है। भारत के शेयर मार्केट में ये संभावना बहुत ज्यादा गर्म है कि भारत में जल्दी वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है, लेकिन ये केवल संभावना है, ऐसी कोई स्थिति अभी हमको नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन कुछ गतिविधियां ये बताती हैं कि वित्तीय आपातकाल लागू हो या ना हो, लेकिन उसकी तरह की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जैसे अगर हम देखें तो भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति से लेकर संसद सदस्य,
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, हमारे जो कुछ प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं, उन सभी के वेतन भत्तों में कटौती की है। सांसद निधि, जो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सदस्य को, संसद सदस्य को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए दी जाती थी, उसको 2 वर्षों के लिए रोक दिया गया है। इसके साथ ही कई राज्य ऐसे हैं जिसमें राजस्थान है, तेलंगाना है, बिहार है, उन राज्यों ने अपने कुछ विभागों के जो कार्मिक हैं उनकी सैलरीज कहीं ना कहीं कम की है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो हर देश में यही स्थिति प्रक्रिया पालन की जा रही, क्योंकि सभी को खर्च की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, और खर्च पूरा करने के लिए नोट तो छापे नहीं जा सकते कि हम मशीनें रखी हैं तो नोट छापने लगेंगे, उससे तो हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी अगर ऐसा करने की कोशिश भी हम करते हैं। तो यही एक उपाय है कि वेतन भत्ते कम किए जाए। देखिए, वेतन भत्तों का अगर हम भारत में आंकड़ा लगाएं तो भारत और राज्य सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत जितने भी कार्मिक कार्य करते हैं, अगर हम उन सभी की सैलरीज की गणना करें तो लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपए की सैलरी में होती है। और अगर भारत सरकार इसको रोकती है तो, या उसमें कम करने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के पास एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा जो इस प्रक्रिया में लगाई जा सकती है, जो मेडिकल क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। केवल सैन्य बलों की ही बात कर लें, सेना के क्षेत्र की ही बात करें, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए वेतन भत्तों के अंतर्गत जाते हैं। खैर, ये तो एक स्थिति ये भी है कि अगर वेतन भत्ते कम कर दिए जाएंगे तो फिर जो हमारे कार्मिक वर्ग है उसके पास जीवन यापन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, और अगर वो कोरोना वायरस से संक्रमित होकर उनकी मृत्यु नहीं होती तो भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी उनके सामने, उनके परिवारों के सामने। तो ये भी चीज है जिसको बैलेंस करके हमको चलना है। दूसरी चीज है, एक संस्था है सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज। ये जो सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज नाम की संस्था है, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट वित्तीय आपातकाल की घोषणा करवाए। लेकिन सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास ना तो ऐसा कोई अधिकार है, ना ही सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के या हमारी एग्जीक्यूटिव के या हमारे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना ही हमारी संसद की शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। केवल तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब कोई कार्य विधि के अनुसार ना हो, संविधान के अनुसार ना किया गया हो, गलत ढंग से किया गया हो, तभी ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। और इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये याचिका खारिज कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं एक संकेत हमको ये मिला कि लोगों की सोच वित्तीय आपातकाल की ओर जा रही है। वित्तीय आपातकाल क्या है, इसके लिए मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाया है जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, देख लीजिएगा। लेकिन भारत में 73 साल की स्थिति में अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपातकाल किस केवल पहली बार संभावना बनी है, अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ। वित्तीय आपातकाल अगर आप संविधान में पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 360 में मिलेगा। 360 में राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कि भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में ऐसी कोई वित्तीय समस्या उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से कार्य नहीं हो सकता है, गतिशीलता नहीं हो सकती है गतिविधियों में, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ऐसी घोषणा कर सकते हैं, ऐसा आपातकाल की घोषणा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन यह भी स्वच्छंद शक्ति नहीं है, ना ही राष्ट्रपति की, ना ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, यह संसद के अंतर्गत है कि अगर ऐसी कोई घोषणा होती है तो राष्ट्रपति को बाकायदा 2 महीने के भीतर, जब घोषणा होगी उससे 2 महीने के भीतर ही संसद से ऐसा प्रस्ताव पारित करवाना अनिवार्य होगा। और बहुमत से पारित किया गया यह प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चितकाल के लिए लागू किया जा सकता है, अनिश्चितकाल के लिए लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर यह पारित नहीं होता है तो वहीं पर समाप्त हो जाएगा, अर्थात इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये तो संसद का संवैधानिक स्वरूप है, हमारी राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है इत्यादि। एक विषय और होता है इसके अंतर्गत कि अगर मान लीजिए ये घोषणा हो जाए वित्तीय आपातकाल की, तो क्या भारत की राज्य सरकारें विरोध कर सकती हैं?
तो सीधी सी बात है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में भारत की जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसके पास बहुत सारी शक्तियां हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राज्य सरकारें विरोध कर सकती हैं, नागरिकों के अधिकार सीमित हो सकते हैं, वित्तीय अधिकार सीमित हो सकते हैं, तो ऐसी स्थितियों में राज्य सरकारें और नागरिक दोनों विरोध कर सकते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जो सारी शक्तियों का संकेंद्रण होगा वो भारत की केंद्रीय सरकार के हाथ में हो जाता है। केंद्र सरकार राज्य की वित्तीय मामले, बजट इत्यादि को अपने पास आरक्षित कर सकती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आरक्षित कर सकती है, या हम ये कहें कि उनको लागू करने का अधिकार अपने हाथ में ले सकती है। जितने भी हमारे संवैधानिक पद हैं जो भारत के संचित निधि से वेतन भत्ते इत्यादि प्राप्त करते हैं, उनके वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। जैसे अभी आपने हाल में देखा कि राष्ट्रपति सहित कई पदों में वेतन भत्तों में 30% तक, खासतौर से वेतन में 30% तक की कटौती की गई, तो कटौती की जा सकती है। यह अधिकार भी भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास चला जाएगा। और अगर और ज्यादा आवश्यकता होगी तो ये भी स्थिति है कि भारत की बैंकों में जो धन संग्रह है उसका उपयोग करने का अधिकार भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास चला जाएगा, चाहे वो किसी सरकारी विभाग का हो, चाहे प्राइवेट कंपनी का हो, चाहे किसी प्राइवेट व्यक्ति के व्यक्तिगत धन हो, वह सभी का सभी कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिपरिषद उसका उपयोग कर सकती है। तो शक्तियां वित्तीय आपातकाल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास बहुत है, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आवश्यक नहीं है कि वित्तीय आपातकाल भारत में लागू हो जाए। कारण ये भी है कि वेतन भत्तों में कटौती हो चुकी है, काफी विभागों में हो चुकी है, यहां तक कि राष्ट्रपति के वेतन में भी हो चुकी है। तो सीधा सा मतलब यह है कि भारत की जनता कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई पड़ रही है, लॉकडाउन की स्थिति में भी। तो स्थिति ये है कि अब अनावश्यक दबाव मुझे तो नहीं लगता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत की जनता के ऊपर डालेगी, जिससे कहीं ना कहीं अशांति उत्पन्न हो। इसलिए सीधा सा बात है, जब भारत की जनता हमारी केंद्रीय सरकार का समर्थन कर रही है तो वह भी हमारे साथ ही हो, अच्छा करेगी, और ऐसी कोई संभावना हम नकार सकते हैं। हाँ, ये है कि कुछ दिक्कतें उत्पन्न होंगी, क्योंकि ये कब तक चलेगा, इसकी क्या संभावना है, ये तो भविष्य की स्थिति में होगा। ये हो सकता है कि और कुछ कठोर निर्णय लिए जाएं, कठोर निर्णय में वित्तीय निर्णय भी हो सकते हैं। अभी सहायता की स्थिति है, राहत पैकेजेज की स्थिति है, तो उसको धन प्राप्त करने के लिए कुछ कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन वित्तीय आपातकाल की संभावना बेहद कम दिखाई पड़ती है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये अफवाह ही मान के चले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो याचिका दायर की थी उसको खारिज कर दिया है। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।